एक्सरसाइज 2.8। जी स्टूडेंट, इसमें हम एक्सपेंड करना सीखेंगे फंक्शन को। मीन से जो नीचे आपको ये सीरीज़ नज़र आ रही हैं, और टेलर सीरीज़ और ये मैकलारेन सीरीज़, ये क्या करती हैं, ये हमें फंक्शन को एक्सपेंड करने के लिए जो है वो एक वे देती हैं, राइट। जैसे कि हमने कैसे एक्सपेंशन होती है, क्या होती है एक्सपेंशन, जैसे कि आपने पहले पीछे सीखा है, आपने हमारे पास किसी फंक्शन की होल किसी अलजेब्रिक सेंटेंस की पावर स्क्वेयर हो तो हम इसको एक्सपेंड कर लेते हैं थ्रू फार्मूला लगाते हुए। इसलिए अगर हाई पावर हो तो हम उस पर जो है वो बाइनोमियल थ्योरम या बाइनोमियल सीरीज लगाते थे, जैसे कि हमने फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 8 में सीखा। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अब हमने यहाँ पे फंक्शन को एक्सपेंड करना हो, फंक्शन की एक्सपेंशन करनी हो, उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए ये हम टेलर सीरीज एक्सपेंशन और फंक्शन है और मैकलारेन सीरीज है, इसको देखेंगे कैसे होती है। जी टेलर सीरीज को देखिए, टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन एफ इंटू एक्स प्लस एच एफ ऑफ एक्स प्लस एच फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन प्लस ए स्क्वेयर टू का फैक्टोरियल सेकेंड डेरिवेटिव प्लस एच क्यू थ्री का फैक्टोरियल एंड थर्ड डेरिवेटिव प्लस सो राइट। और हमारे पास मैकलारेन सीरीज क्या होगी, मैकलारेन सीरीज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो, मतलब फंक्शन की वैल्यू जीरो पे, प्लस एक्स इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू जीरो पे, प्लस एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई टू का फैक्टोरियल सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू जीरो पे, इसी तरह थर्ड एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई थ्री का फैक्टोरियल एंड थर्ड डेरिवेटिव की वैल्यू जीरो पे, ये हमारे पास मैकलारेन सीरीज कहलाती है। जी अब क्वेश्चन नंबर जैसे कि 1 है एक्सरसाइज 2.8 का, उसमें कह रहे हैं कि आपने जो है वो क्या करना है, अप्लाई द मैकलारेन सीरीज एक्सपेंशन टू प्रूव दैट, कि हमने इस फंक्शन को मैकलारेन सीरीज से एक्सपेंड करना है, इसको 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 और इसको। और इसके बहुत ज़्यादा, जब आप हाई क्लासेस में जाएंगे तो हमें जब फंक्शन को एक्सपेंड करना आएगा तो हमेशा हम मैकलारेन या टेलर सीरीज की हेल्प लेते हैं, और ये इससे हमारे पास जो है ना वो एक्सपेंड करना बहुत आसान हो जाता है, और सेकेंडली इसके बहुत ज़्यादा यूजेज भी हैं। जी क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए, क्या करना है, हमें मैकलारेन सीरीज का फार्मूला अभी हमने ऊपर देखा है। जी ये वाला मैकलारेन सीरीज का फार्मूला है, इसको यूज़ करते हुए हमने जो है इस फंक्शन को, गिवन फंक्शन को जो कि क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 में है, उसको एक्सपेंड करना देखना है। जी एफ एक्स आपके पास क्या है, लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स। सबसे पहले हम लोग एफ ऑफ जीरो पे इस फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, क्या होगा, जी लॉग ऑफ 1 प्लस जीरो इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 हो जाएगा, लॉग ऑफ 1 की वैल्यू जो है वो जीरो होती है राइट। इसी तरह आप इस फंक्शन को जो है फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो फर्स्ट डेरिवेटिव कैसे लेंगे, यूजिंग डिफरेंशियल ऑपरेटर ऑन बोथ साइड, ये हमारे पास हो गया एफ प्राइम ऑफ एक्स। जी जब इस पे डिफरेंशियल ऑपरेटर लगा तो क्या होगा, लॉग का कैसे होता है, आप ऑलरेडी आपको लॉग का डेरिवेटिव करना आता है, क्या जी ये ओवर में चला जाएगा 1/1 + x, और 1 + 1 + x को जब अगेन विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेट करेंगे तो 1 का 0 हो जाएगा और x का 1 हो जाएगा राइट। अब फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू 0 पे फाइंड आउट करनी है, क्योंकि हमने फार्मूले में हमें यही था कि हमने फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू भी 0 पे ही इस फार्मूले में पुट करनी है, तो जहाँ पे x है वहाँ पे 0 वैल्यू रिप्लेस कर दी, तो आपके पास क्या आ गया जी 1 आ गया। इसी तरह अब अगर फर्स्ट को अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सेकेंड डेरिवेटिव हो जाएगा। क्या किया हमने, इसको ये टर्म ओवर में थी तो हम इसको लिख सकते हैं 1 + x^(-1)। जी क्या होगा, डेरिवेटिव ऑपरेटर जब इस पे लगा तो पावर बैक पे आ गई, यानी कि -1, और पावर में से एक कम हो गया, -1 - 1 - 2 हो गया राइट। और अब इस फंक्शन की वैल्यू 0 पे हमने इस तरह फाइंड आउट कर ली। सेम ऐसे ही अब हम अगर इसको, ये सेकेंड डेरिवेटिव को जो कि हमारे पास ये वैल्यू आई है, इसको थर्ड टाइम इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो हमारे पास थर्ड डेरिवेटिव हो जाएगा राइट। जी क्या हुआ, जब इस पे डिफरेंशियल ऑपरेटर लगा इस पे तो पावर जी बैक पे आ गई, यानी कि -1 और -2 हो गया, और पावर में से एक कम हो गया यानी कि -3। जी इसकी वैल्यू जो है वो 0 पे फाइंड आउट कर लें, जहाँ पे x है वहाँ पे हमने 0 वैल्यू रिप्लेस कर ली, 2 × 1 + 0 / -3 विच इज इक्वल टू 0 हो गया। फोर्थ डेरिवेटिव तक करना चाहते हैं, जैसे फोर्थ डेरिवेटिव है ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे भी आप इसको खत्म कर सकते हैं और मैकलारेन सीरीज में इस वैल्यू को पुट करते हैं, क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये मैकलारेन सीरीज का हमारे पास फार्मूला है, एफ ऑफ 0 प्लस एफ प्राइम ऑफ 0 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 एफ डबल प्राइम ऑफ 0 प्लस एक्स क्यूब 3 का फैक्टोरियल एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ 0। जी जो हमने पीछे वैल्यूज फाइंड आउट की हैं, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लगा दी, एफ ऑफ 0 की वैल्यू लगा दी, जो हम पीछे फाइंड आउट करके आए हैं, किस लिए की थी, इसलिए की थी कि हमें इसमें जो है वो पुट करनी है ठीक है, एक्स इंटू 0 प्लस एक्स स्क्वायर
डिवाइडेड बाय टू एफ डब प्राइम ऑफ जीरो की वैल्यू माइनस वन आई थी वो यहाँ पे पुट कर लें। इसी तरह एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ जीरो की वैल्यू जो है वो टू आई थी वो यहाँ पे हमने पुट कर ली। राइट क्या हो जाएगा, ये जीरो तो वैसे वैनिश हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू टू का फैक्टोरियल माइनस, ये बाहर जाके माइनस जो है वो प्लस माइनस माइनस हो गया, एक्स स्क्वेयर इंटू टू माइनस टू डॉट वन लिख सकते हैं ना, यानी कि टू का फैक्टोरियल को स्पेंड कर लिया, एक्स क्यूब थ्री डॉट टू डॉट वन टू है साथ में, एक्स फोर को हम फोर का फैक्टोरियल को लिख सकते हैं फोर थ्री टू इंटू वन यही होता है ना, और इंटू सिक्स हो गया जी, जो कटिंग हो सकती है उनको कटिंग कर लिया और फाइनली आपके पास ये जो है वो टर्म आ गई। क्लियर, ये हमारे पास किसकी मैक्लॉरिन सीरीज है, ये हमारे पास ये मैक्लॉरिन सीरीज आ गई लॉग ऑफ वन प्लस एक्स। इस सेकेंड क्वेश्चन में हमने मैक्लॉरिन सीरीज फाइंड आउट करनी है किसकी, कॉस ऑफ एक्स की। सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू एट जीरो पे फाइंड आउट करनी है, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे जीरो वैल्यू रिप्लेस कर लें, एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू कॉस ऑफ जीरो, कॉस ऑफ जीरो की वैल्यू जो है वो वन होती है। आप इसका डेरिवेटिव ले लें, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आ जाएगा जी, कॉस ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स आएगा, इसकी जीरो पे वैल्यू फाइंड आउट कर ले तो वो विच इज यहाँ पे एक्स है वहाँ पे जीरो पुट किया और साइन ऑफ जीरो की वैल्यू जो है वो जीरो होती है। इसी तरह आप इसको फर्स्ट डेरिवेटिव को अगेन डिफ्रेंशिएट करें माइनस साइन ऑफ एक्स को तो क्या हो जाएगा माइनस कॉस ऑफ एक्स। राइट, साइन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव कॉस ऑफ एक्स होता है, अब इसकी भी जीरो पे हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली। थर्ड डेरिवेटिव यानी कि माइनस कॉस ऑफ एक्स को अगेन डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो क्या हो जाएगा माइनस कॉस ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा माइनस साइन ऑफ एक्स, माइनस माइनस मिलकर प्लस बन जाएंगे और उसकी हमने जीरो पे वैल्यू फाइंड आउट कर दी। थर्ड तक ही रखें तो बेहतर है, इससे आगे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो बहुत आगे तक किया हो, इधर तो मैंने बहुत आगे तक शो किया हुआ है ना, ना भी करें तो कोई मसला नहीं है। राइट, अब इसमें जो है थर्ड डेरिवेटिव तक ही इनफ होता है। नो बाय मैक्लॉरिन सीरीज क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो प्लस एक्स एक्स एफ प्राइम ऑफ जीरो, यानी कि मैक्लॉरिन सीरीज का ये फार्मूला है, इसमें वैल्यू पुट करते जाएं जो हमने ऊपर फाइंड आउट की है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है जी, कॉस ऑफ एक्स है, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू जीरो और एफ ऑफ जीरो की वैल्यू जो है वो वन है, इसी तरह इसकी वैल्यू जीरो हो गई प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू का फैक्टोरियल की वैल्यू क्या आ गई माइनस वन, ये वैल्यू जहाँ पे रिप्लेस कर लें जो जीरो वाली टर्म है वो वैनिश हो जाएंगी और आपके पास कॉस ऑफ एक्स की जो एक्सपेंशन आ जाएगी वो ये हो जाएगी वन माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई टू का फैक्टोरियल प्लस एक्स फोर डिवाइडेड बाई फोर का फैक्टोरियल एंड एक्स सिक्स डिवाइडेड बाई सिक्स का फैक्टोरियल। इसी तरह थर्ड पार्ट में जी हमारे पास है फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ स्क्वेयर रूट ऑफ वन प्लस एक्स। राइट जी, अगेन वही, सबसे पहले हम फंक्शन की वैल्यू जो है वो जीरो पे फाइंड आउट की, वो डेट इज़ वन, देन फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, पावर बैक पे आ गई, पावर में से एक कम हो गया, वन बाई टू माइनस वन माइनस वन बाई टू हो गया, पावर के अंदर टर्म को डेरिवेट लिया तो वो वन हो गया, वन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स जीरो हो गया, एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स जीरो, जीरो प्लस वन वन आ गया। राइट जी, अब ये हमारे पास टर्म बन गई, इसकी अब जीरो पे वैल्यू फाइंड आउट कर लें। जीरो पे वैल्यू फाइंड आउट की, विच इज इक्वल टू वन बाय टू हो गया। आप क्या करें जी, आप जो है वो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव को अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा, उसकी वैल्यू जीरो पे फाइंड आउट कर लें। थर्ड डेरिवेटिव का सेकंड डेरिवेटिव को अगेन डिफ्रेंशिएट करें पावर रूल लगाते हुए तो आपके पास थर्ड डेरिवेटिव आ जाएगा, इसकी भी वैल्यू जीरो पे फाइंड आउट कर लें और मैक्लॉरिन सीरीज के फार्मूले में लगा लें और आपके पास ये जो है वो आंसर में आ जाएगा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हुए ये हमारे पास आंसर में आ जाएगा। इस तरह नेक्स्ट टर्म जो है वो हमारे पास फोर्थ पार्ट जो है उसमें हमने मैक्लॉरिन सीरीज फाइंड आउट करनी है किसकी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर एक्स। जी, सबसे पहले हमने इस फंक्शन की जीरो पे वैल्यू फाइंड आउट की, ई रेस्ट पावर जीरो इज इक्वल टू वन, एफ ऑफ एक्स क्या है जी, इसका डेरिवेटिव लिया, ई रेस्ट पावर एक्स का डेरिवेटिव ई रेस्ट पावर एक्स होता है, इसकी जीरो पे वैल्यू फाइंड आउट की डेट इज वन। इसी तरह सेकेंड डेरिवेटिव भी ई रेस्ट पावर एक्स ही आएगा, इसलिए सबकी वैल्यू जो है वो वन वन आ जाएंगी। ठीक है, आप मैक्लॉरिन सीरीज में वैल्यू पुट करते हैं तो आपके पास ये ई रेस्ट पावर एक्स की मैक्लॉरिन सीरीज बन जाती है, वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय टू का फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाय थ्री का फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। फिफ्थ पार्ट भी सेम ऐसे ही है जैसे कि फोर्थ पार्ट है, जस्ट चेंज किया है वहाँ पे ई रेस्ट पावर एक्स थी तो हमें पावर को डिफ्रेंशिएट नहीं करना पड़ा, लेकिन यहाँ पे क्योंकि पावर को भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा तो साथ में टू आता चला जाएगा। सही हो गया, एफ ऑफ एक्स यानी कि सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू जीरो पे फाइंड आउट की, विच इज इक्वल टू वन हो गई, यानी कि टू मल्टीप्लाई बाय जीरो
जीरो हो गया, ई रेस्ट पावर जीरो इज इक्वल टू वन जी। डेरिवेटिव क्या आया, ई रेस्ट पावर टू एक्स, और जब पावर यानी कि टू एक्स को डेरिवेट किया तो हमारे पास क्या आ गया, टू कॉन्स्टेंट को इससे बाहर हो गया और एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव वन आ गया। और इसकी जीरो पे वैल्यू फाइंड आउट की, डेट इज टू, राइट। इसी तरह अब हमने इसका क्या किया जी, सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड आउट किया। सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड आउट किया तो क्या होगा, टू कॉन्स्टेंट को से बाहर और डेरिवेटिव ऑपरेटर इस पे यूज हो जाएगा, अगेन वही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ई रेस्ट पावर टू ऑफ एक्स, जो फर्स्ट डेरिवेटिव आया था वही यहाँ पे वैल्यू हमने रिप्लेस कर ली, विच इज इक्वल टू फोर ई रेस्ट पावर टू एक्स, और इसकी हमने जीरो पे वैल्यू फाइंड आउट की, डेट इज फोर, राइट। इस तरह आप थर्ड डेरिवेटिव लें इसका तो क्या हो जाएगा, फोर कॉन्स्टेंट होने की वजह से बाहर और डेरिवेटिव ऑपरेटर ई रेस्ट पावर टू एक्स पे ऑपरेट हो गया। ई रेस्ट पावर टू एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आएगा, टू ई रेस्ट पावर टू एक्स, फोर टू से मल्टीप्लाई होगा एट आ गया, और इसकी एट जीरो पे वैल्यू फाइंड आउट की, डेट इज एट। अब इसको हम क्लान सीरीज वाले फार्मूले में पुट कर दिया और ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। यहाँ पे हम टू का फैक्टोरियल एक बात ध्यान में रखिए, यहाँ पे हम टू का फैक्टोरियल ओपन नहीं कर रहे और कटिंग भी नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि उन्होंने हमें प्रूफ कहा हुआ कि इस फॉर्म में प्रूफ करना है, ठीक है। आप देख लें पहले कि अगर मतलब हमारे पास फैक्टोरियल नहीं है तो उसका मतलब है कटिंग की हुई है, फिर फैक्टोरियल को ओपन करके कटिंग कर दें इन टर्म्स के साथ। अगर उन्होंने जो प्रूफ था ये फॉर्म दी हुई है जिसमें फैक्टोरियल मौजूद है, तो फिर आपको फैक्टोरियल को एक्सपेंड नहीं करना बल्कि एज इट इज़ लिख देना, क्योंकि हमने तो वही टर्म आंसर में देनी है जिसको हमें प्रूफ करने के लिए कहा गया। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू में हमारे पास आप नज़र आ रहा है आपको एज इसमें यूज़ हो रहा है, इसका मतलब है कि इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा जी, टेलर सीरीज वाला फार्मूला यूज़ होगा। कह रहे हैं जी कॉज एक्स प्लस एच इज इक्वल टू कॉज ऑफ एक्स, जो है वो ये एक्सपेंशन इसकी बनती है, एंड अवेल्यूएट कॉस 61 डिग्री को अवेल्यूएट करना है। फिर आपने एन पे पहले तो आप ये टर्म जो है इसको प्रूव कर लें, क्या है जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स, फर्स्ट डेरिवेटिव लिया। अब इस पे हमें जीरो पे वैल्यू फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि देखें ये फंक्शन की वैल्यू जीरो पे नहीं थी वो उसमें हमारे पास टेलर सीरीज में, राइट। क्लारेंस सीरीज में फंक्शन की और उसके डेरिवेटिव की वैल्यू जीरो पे होती है इसलिए हम करते हैं, लेकिन टेलर सीरीज जब एक्सपेंशन लगाते हैं तो उस पर हमें जीरो पे वैल्यू फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं होती है। सो फर्स्ट डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ एक्स, साइन ऑफ एक्स को गेन डिफ्रेंशिएट किया, सेकंड डेरिवेटिव आ गया, सेकंड फर्स्ट सॉरी सेकंड डेरिवेटिव को गेन डिफ्रेंशिएट किया, थर्ड डेरिवेटिव आ गया जी। टेलर सीरीज एक्सपेंशन क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच एफ प्राइम ऑफ एक्स प्लस एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू का फैक्टोरियल एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स, इसी तरह सॉन जी। यहाँ पे हमने कॉस एक्स प्लस एच की वैल्यू, कॉस अगर एफ ऑफ एक्स अगर हमारे पास क्या है कॉस ऑफ एक्स है, तो इसका मतलब है कि अगर एक्स को हम रिप्लेस कर दें एक्स प्लस एच के साथ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एंगल रिप्लेस हो जाएगा एक्स प्लस एच के साथ, तो इसलिए हम यहाँ पे हमने लिख लिया कॉस एक्स प्लस एच। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लगाई, एफ प्राइम ऑफ एक्स की वैल्यू लगाई, एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स की वैल्यू लगाई और एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ एक्स की वैल्यू लगाई, राइट। यहाँ से इसको माइनस को इस तरह कर लिया तो हमारे पास ये फैक्टोरियल को शो कर रहा है, इस तरह की जो लाइन होती है वो भी हमारे पास फैक्टोरियल को शो करती है जी। अब हमने कॉस 61 की वैल्यू पुट करनी है, तो इसका मतलब है अगर लेट हम कर लें कि एक्स जो है वो 60 डिग्री है और एच जो है वो 1 डिग्री है, और 1 डिग्री किस चीज़ के इक्वल होता है, पाई बाय 180, याद है ना आप लोगों को, इसका मतलब ये पाई बाय 180 की वैल्यू जो बनती है वो 0.01745 रेडियन होता है, क्लियर, क्योंकि मैंने आपको बताया था कैलकुलस में हम रेडियन में बताएंगे इसीलिए एच जो है वो रेडियन में है जी। कॉस 60 प्लस 1 तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 60 लिख लिया और एच की जगह पे 1 पुट कर लिया, तो इस फार्मूले में लगाएं कॉस ऑफ 60 माइनस एच, एच की वैल्यू अभी हमने ये फाइंड आउट की है 0.01745, वो उसकी जगह पे रिप्लेस कर लें, क्योंकि एच जो है वो एंगल में नहीं है, एच जो है वो एक कॉन्स्टेंट के तौर पर मल्टीप्लाई हो रहा है फंक्शन के साथ, ऐसे ही है ना, तो जो हमारे पास हम लोग इसको कांस्टेंट के तौर पे अगर हमारे पास फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इसका मतलब है इसकी वैल्यू जो है कैलकुलेशन में रेडियन में होनी चाहिए, इसलिए हमने इसकी वैल्यू रेडियन में निकाल ली, जबकि ये तो साइन के फंक्शन है ना इसलिए इसका ये डिग्री के साथ ही रहा है साइन 60। इसी तरह एज की वैल्यू और एक्स की वैल्यू डालते जाएँ तो ये हो गया, इसको सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास जो आंसर आएगा साइन 60 की वैल्यू डाल लें इसको मल्टीप्लाई करते जाएं और इस तरह इसको मल्टीप्लाई करके फाइनली हमारे पास जो आंसर आएगा अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि डेफिनेटली हमने बहुत सी हमने सिर्फ 1 2 3 4 फर्स्ट फोर टर्म ऐड किए हैं, राइट, तो हमारे पास आंसर ये आ गया 0.4848
12247, तो ये अप्रॉक्सीमेटली किस चीज़ के इक्वल है, 0.4848 अप्रॉक्सीमेटली, इसलिए क्योंकि हमने जस्ट फोर टर्म ऐड किए हैं, जबकि फर्स्ट फोर टर्म को ऐड प्लस ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जो अकॉर्डिंग टू दिस, तो अगली बहुत सी टर्म मौजूद हैं, ठीक है, इस वजह से फिर हम कहते हैं ये अप्रॉक्सीमेटली कॉस 61 की वैल्यू जो है वो 0.48 × 48। क्वेश्चन नंबर थ्री, शो डेट 2^x + h = 2x । दिस टर्म है, इसका मतलब है कि जहाँ पे h वाली टर्म इन्वॉल्व है यहाँ पे हमने टेलर सीरीज लगानी है। f(x) = 2^x, डेरिवेटिव का ऐसे आएगा, आप ये जहन में रखें कि ये क्या है, ये किसका है, यानी कि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जिसमें कांस्टेंट की जो है पावर वेरिएबल है, सही, इसका मतलब है कि a^x जैसे a^x का डेरिवेटिव क्या होता था, a^x (log of a), तो अब यहाँ पे a की जगह पे 2 है, जैसे ये फार्मूला मैंने लिखा भी हुआ है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 2^x (log of 2, ठीक। अब लॉग ऑफ टू कॉन्स्टेंट है, जब इसका सेकेंड डेरिवेटिव लेंगे तो ये कॉन्स्टेंट ऊपर से बाहर हो गया और डेरिवेटिव ऑपरेटर 2x पे लग गया, 2x का गेन वही डेरिवेटिव आ जाएगा, तो फिर हमारे पास लॉग ऑफ टू का स्क्वेयर हो जाएगा (2x). इस तरह थर्ड डेरिवेटिव में क्या होगा, लॉग ऑफ टू का क्यूब हो गया, क्योंकि लॉग ऑफ टू का स्क्वेयर कॉन्स्टेंट होने की वजह से बाहर, एंड 2x का जो डेरिवेटिव है वो क्या आ गया, 2x (log of 2), तो ये लॉग ऑफ टू का क्यूब हो गया (2x), राइट। नो बाय टेलर सीरीज एक्सपेंशन, जी टेलर सीरीज एक्सपेंशन हमने लगा ली, आपको पता है कि अगर f(x) = 2^x है तो x + f (x + h) क्या हो जाएगा, f(x + h), जहाँ पे x है वहाँ पे हम x + h जो है वो वैल्यू रिप्लेस कर लेंगे, राइट। यहाँ पे f(x) की वैल्यू लगा दी h (first derivative) की, इसी तरह सेकेंड डेरीवेटिव की, थर्ड डेरीवेटिव की और फोर्थ डेरीवेटिव की, आप नोटिस करेंगे इन सब में 2^x जो है वो कॉमन है, हमने कॉमन ले लिया, बाकी क्या रह गया, 1 + log of 2 × h + log of 2 का स्क्वेयर × h² / 2 का फैक्टोरियल + log of 2 का क्यूब (h³) × 3 का फैक्टोरियल + so on, और यही हमने प्रूफ करना था।